Welcome, skill seekers. Build your skills with us. अस्सलाम वालेकुम स्किल सीकर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारे SEO क्रैश कोर्स 2022 की ये चौथी वीडियो है, जिसमें आज हम बहुत ही अहम टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो यूजुअली हमारे नए यूजर्स या नए डेवलपर्स जिनके बारे में कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। तो आज हम उनकी ये कंफ्यूजन इंशाल्लाह दूर करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा, वो है वेब पेज। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेबसाइट के बारे में, डोमेन नेम या वेब एड्रेस, फिर आएगा वेब सर्वर और फिर वेब ब्राउजर और सबसे आखिर में सर्च इंजन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेब पेज बेसिकली क्या होता है। वेब पेज एक स्पेशल डॉक्यूमेंट होता है जिसको कोडिंग के जरिए जो है वो डिजाइन किया जाता है। जैसे कि हमें किसी भी पर्टिकुलर वर्ब डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जैसे MS Word हो गया या फिर नोट पैड हो गया, एक्सेल की शीट होगी तो MS Excel हम खोलेंगे, पावर पॉइंट होगी, प्रेजेंटेशन होगी तो MS पावर पॉइंट यूज करेंगे। तो इसी तरीके से वेब पेज को ओपन करने के लिए या देखने के लिए हमें कुछ खास सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसको हम वेब ब्राउजर कहते हैं। और कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको दूं कि कौन से वेब ब्राउजर्स हम यूज करते हैं, वो हैं गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपरा, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह। अच्छा, ये जो है स्क्रीनशॉट इस वक्त आपके सामने, वो है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के होम पेज की। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक वेब पेज है। अब हम पढ़ते हैं वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट क्या होता है? ये एक कलेक्शन होता है बहुत सारे वेब पेजेस का, जिनको इकट्ठा करके आपस में इंटरलिंक करके जो है वो आपके सामने पोर्ट्रे किया जाता है या शोकेस किया जाता है। इसमें जो है वो इलामा अब जो है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, मैं आपको डिफरेंट वेब पेजेस की जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है होम पेज, फिर आएगा हमारे पास PhD प्रोग्राम्स पेज, एकेडमिक कैलेंडर पेज और फिर आएगा डाउनलोड पेज। ये चार पेजेस मिलकर एक कलेक्शन बनाकर वेबसाइट बनाते हैं। ये तो कुछ चंद पेजेस मैं आपको दिखा रही हूँ, बट इसी तरह डिफरेंट वेब पेजेस जब आपस में मिलते हैं, इंटरलिंक होते हैं, इनको ग्रुप किया जाता है, तो एक हम फाइनल शक्ल डिजाइन करते हैं अपनी वेबसाइट की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डोमेन नेम या वेब एड्रेस। डोमेन नेम या वेब एड्रेस, ये एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिसको यूजर्स यूज करते हुए हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं जिसको URL कहा जाता है, जो कॉमनली आपने अक्सर सुना होगा या आपकी नजर से गुजरा होगा, जिसको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं। तो जो एग्जाम्पल्स हैं डोमेन नेम की या वेब एड्रेस की, वो है google.com, ping.com, amazon.com, daraz.com, aiou.edu.pk। ये चंद मैंने आपको वेब एड्रेसेस बताए हैं। वेब एड्रेस बेसिकली एक तरीका है जिसके जरिए हम डिफरेंट जगहों पर, वेब एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जिसके जरिए यूजर जो है वो हमें एक्सेस कर सकता है या हम तक हमें ओपन कर सकता है, हमारी वेबसाइट को ओपन कर सकता है। ये एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके जिसका मतलब ये है, यूनिक का वर्ड मैंने क्यों यूज किया है, यूनिक से मुराद ये है कि कोई भी दो वेबसाइट्स एक नाम से मौजूद नहीं हो सकती इंटरनेट वर्ल्ड वाइड पे। ठीक है, इंटरनेट की दुनिया में अगर आप लोगों को मैं ये कहूँ कि सेम नेम की वेबसाइट्स नहीं हो सकती हैं, ठीक है, यानी कि एक डोमेन नेम को हम एक ही दफा इंटरनेट पर रजिस्टर करा सकते हैं। वेब एड्रेस को रजिस्टर कराने के लिए हम लोग डिफरेंट डोमेन रजिस्ट्रार कंपनीज के को यूज करते हैं अपने डोमेन नेम को रजिस्टर करने के लिए, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आती है नेमचीप और गोडेडी की, और भी बहुत सारी हैं लेकिन ये कुछ कॉमनली यूज्ड वंस हैं। इसके बाद हमारे पास आता है वेब सर्वर। ये बेसिकली एक होस्टिंग कंप्यूटर होता है जो 24/7 आपके इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहता है। ये किसी भी वेबसाइट को स्टोर करने के लिए इन द वेब सर्वर यूज किया जाता है। यूजर्स पूरी दुनिया से डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा वेब होस्टिंग कंपनीज जो हैं, वेब होस्टिंग कंपनीज जो हैं वो इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करती हैं।
जिसमें हमारे पास सबसे सबसे जो पॉपुलर कह लें या कॉमनली यूज आर होस्टिंगर, ब्लू होस्ट, साइटग्राम, किंस्टा, डिजिटल ओशन वगैरह. और ये जो वेब होस्टिंग कंपनीज हैं ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करती हैं 24/7 टू एक्सेस द इंटरनेट और टू एक्सेस अ पर्टिकुलर वेबसाइट. इसके बाद हमारे पास आता है वेब ब्राउजर. इसके बारे में मैंने थोड़ा सा शुरू में भी बताया था, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बेसिकली वेब ब्राउजर होता क्या है. ये एक सॉफ्टवेयर है जो यूज होता है टू डिस्प्ले अ पर्टिकुलर वेबसाइट. यानी कि अगर मेरी कोई वेबसाइट है और उसको मुझे शोकेस करना है टू द एंड यूजर, तो आई एम गोइंग टू यूज वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर का बेसिकली मकसद क्या है कि जो भी वेब पर कंटेंट मौजूद है उस कंटेंट को या आपके लोकल स्टोरेज डिवाइस में जो भी कंटेंट है उसको फेच करके आपको डिस्प्ले करके दिखाए. ठीक है, और कहाँ वो डिस्प्ले करता है? ऑन द यूजर्स डिवाइस. यानी कि जो भी आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है या जो भी आपकी वेबसाइट को देख रहा है वो अपनी डिवाइस पर आपकी वेबसाइट को देख सके. तो वो जो उस जो चीज उसको डिस्प्ले कर रही है वो आपकी वेब ब्राउजर कहलाती है. ठीक है, हम वेब ब्राउजर्स को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पर, लैपटॉप्स पर, टैबलेट्स पर और स्मार्टफोन्स पर. कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर्स जो है वो है गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपरा, माइक्रोसॉफ्ट एज. और इसमें एक और नाम आता है वो है सफारी, जो एक डेडिकेटेड वेब ब्राउजर है फॉर एप्पल डिवाइसेस. इसके बाद हमारे पास आता है सर्च इंजन. सर्च इंजन एक वेबसाइट है जो स्पेशल सर्वर पर मौजूद है और इसको जो है हम यूज करते हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन को, वेब पेजेस को या फिर वेबसाइट को सर्च करने के लिए जो कि मौजूद है वर्ल्ड वाइड वेब पर. सर्च इंजन को हम लोग अपने कंप्यूटर्स डिवाइसेस पर या मोबाइल डिवाइसेस पर इंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन हम एक्सेस जरूर कर सकते हैं डिफरेंट सर्च इंजन को थ्रू एनी वेब ब्राउजर. और इसके अलावा हम अगर चाहें कि किसी पर्टिकुलर वेब किसी भी पर्टिकुलर सर्च इंजन को हम बाय डिफॉल्ट कर लें तो हम वो भी कर सकते हैं कि व्हेनेवर वी वांट टू सर्च एनीथिंग वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर सर्च इंजन फॉर इट. जो कॉमनली यूज्ड सर्च इंजन है वो है google.com, bing.com, yandex.com, beidou.com, duckduckgo.com. इस तरह से और भी बहुत सारे सर्च इंजन मौजूद हैं हमारे वेब हमारे वर्ल्ड वाइड वेब में, लेकिन ये कॉमनली कुछ यूज्ड हैं जिनके मैंने नाम आपको मेंशन किए. तो जी, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ा जो डेफिनेटली कंफ्यूजन रहती है जिनके बारे में, लेकिन ये हमारे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारे नए लेक्चर्स आएंगे आपको इनके यूजेज भी पता चलेगी और इसके अलावा इनका किस तरीके से इस्तेमाल होगा हमारे कोर्स में वो भी हम देखेंगे. मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें.